हम सभी को कभी ना कभी ऐसा अनुभव ज़रूर मिलता है जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसे हम अपना मानते थे हमें धोखा दे देता है, यह हमारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता। तब हमें लगता है कि हमें यह बात इनसे कहनी ही नहीं चाहिए थी। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि कौन सी राशि से किस राशि को धोखा मिल सकता है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेष राशि। इस राशि के जातकों को आम तौर पर पैसे और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में धोखा मिल सकता है। इस राशि में जन्मे लोगों को मिथुन राशि, कन्या राशि और वृष राशि के लोगों से पैसे और प्रॉपर्टी के लेन देन में थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए। क्या उपाय है इसका? ज्योतिषीय उपाय के तौर पर आप हर रोज गणपति को दुर्वा अर्पित करें, यानी कि हरी घास अर्पित करें, इससे आपको लाभ होगा। वृषभ राशि। इस राशि के जातकों को दिल से जुड़े मामलों में धोखा मिलने की संभावना अधिक होती है, यानी कि ये लोग अगर किसी से प्रेम कर रहे होते हैं तो हो सकता है उन्हें प्रेम में धोखा मिल जाए। इस राशि में जन्मे लोगों को मेष, धनु और मीन राशि के लोगों से दिल लगाने में सतर्कता बरतनी चाहिए। बेहतर होगा कि आप हर रोज स्नान के बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। मिथुन राशि। इस राशि के जातकों को पैतृक संपत्ति और वाहन के मामलों में धोखा मिलने की संभावना अधिक होती है। इन राशि के जातकों को मेष, वृश्चिक और सिंह राशि से सतर्क रहने की जरूरत है। आपको हनुमान जी की पूजा और उन्हें प्रतिदिन लाल फूल अर्पित करना चाहिए। कर्क राशि। इस राशि में जन्मे लोगों को आम तौर पर कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में धोखा मिलने की संभावना होती है। आपको मिथुन, कन्या और कुंभ राशि में जन्मे लोगों से सावधान रहना चाहिए। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करें। सिंह राशि। इस राशि के जातकों को प्रेम संबंधों में और संतान से धोखा मिलने की संभावना अधिक रहती है। आपको वृष, तुला और मकर राशि के लोगों से प्रेम संबंध बनाते समय सतर्कता बरतनी चाहिए। आपके लिए उपाय है, आप रोज तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य को अर्पित करें। कन्या राशि। इस राशि के लोगों को पैसे के मामले में धोखा मिलने की संभावना अधिक होती है। आपको मेष, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों के साथ आंखें मूंद कर पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपको लाभ होगा। तुला राशि। इस राशि के जातकों को प्रेम और प्रॉपर्टी के मामलों में धोखा मिलने की संभावना अधिक होती है। आपको वृश्चिक, धनु और मीन राशि के लोगों से सावधान रहना चाहिए। आपको प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। वृश्चिक राशि। आपको नौकरी से जुड़े कार्यों और व्यापार की गुप्त जानकारियां किसी से साझा करने में सतर्कता बरतनी चाहिए। आपको मिथुन, तुला और कन्या राशि के जातकों से सतर्क रहना चाहिए। प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें। धनु राशि। आपको पैतृक संपत्ति और कार्य क्षेत्र में धोखा मिलने की आशंका अधिक रहती है। आपको वृष, कन्या और मकर राशि में जन्मे लोगों के साथ संबंध स्थापित करने में सतर्क रहना चाहिए। आप प्रतिदिन शिव जी के सामने दिया जलाएं या शिवलिंग पर जल अर्पित करें। मकर राशि। इस राशि के लोगों को आमतौर पर भावनाओं के मसले में धोखा मिलने की संभावना रहती है। कर्क, सिंह और वृश्चिक राशि में जन्मे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। आपको शुक्ल पक्ष में चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। कुंभ राशि। आपको धन से जुड़े मामलों में धोखा मिलने की अधिक संभावना रहती है। आपको मेष, धनु और मीन राशि के जातकों के साथ लेन देन करते समय सतर्क रहना चाहिए। आपको हर शनिवार पीपल के नीचे तेल का दिया जलाना चाहिए। मीन राशि। इस राशि में जन्मे लोगों को प्रेम संबंधों में धोखा मिलने की संभावना अधिक होती है। वृष, तुला और कुंभ राशि के लोगों के साथ दिल जोड़ते समय सावधानी रखें। आपको प्रतिदिन पौधों में जल डालना चाहिए।
ये थी सभी राशियों के लिए कुछ उपाय और किन राशियों से इन्हें सावधान रहना चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखते रहिए ज्ञान की बातें।